कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। आप लोगों का कमेंट ये था कि क्लाउड किचन को स्विगी में कैसे ऐड करें, तो आज हम सीखेंगे कि स्विगी में क्लाउड किचन कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कोई एक भी स्टेप मिस हो गया तो आपका प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने जोमेटो या स्विगी पार्टनर या फिर वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आपको अपने नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते वक्त ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आ जाएंगे आप अपने मेन मेन्यू में। तो मेन मेन्यू में होते हैं क्या, चार स्टेप होते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप आता है बेसिक डिटेल। तो आपको यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल डाल देना है, जैसे कि ओनर नेम हो गया, रेस्टोरेंट नेम हो गया, उसके बाद एड्रेस हो गया, उसके बाद जीमेल आईडी, फोन नंबर, उसके बाद आपका वर्किंग डे जो भी है वो डाल देना है, मतलब आपको आप कब वो रेस्टोरेंट ओपन रखना चाहते हैं वो डे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, आप अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, रेस्टोरेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि पैन कार्ड, तो यहाँ पैन कार्ड फिल कर दीजिए। उसके बाद बैंक डिटेल आएगी, बैंक अकाउंट नंबर, वो सब भी आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा फसाई सर्टिफिकेट नंबर, तो ये भी आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। उसके बाद आपके पास फसाई सर्टिफिकेट का जो भी फोटो होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको प्रोसेस पे कर देना है। प्रोसेस करने के बाद आ जाएगा मेन्यू सेटअप। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से मेन्यू सेटअप कर सकते हैं। अगर आप वेज है तो वेज डाल सकते हैं, अगर वेज नॉन वेज दोनों है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड मोर से आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कॉस्ट फॉर आपको टू, मतलब जो भी आपको कॉस्ट रखनी है वो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 रुपये रखे। उसके बाद आपको अपने मेन्यू की इमेज अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आपको जो आइटम है उसका प्राइस और पैकेजिंग चार्ज जो रखना है आप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे उनकी टर्म और कंडीशन के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे है वो जोमेटो स्विगी के बारे में है कि वो आपसे कितना कमीशन ले गया, क्या क्या प्रोसेस है वो सब है आपको। उसके बाद आया है रीड एप्सेट एंड, उस पर क्लिक करके प्रोसेस पे कर देना है। जैसे आप प्रोसेस पे करेंगे तो आपके नया पेज खुल जाएगा, वो रहेगा पेमेंट का। तो पेमेंट का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप ये सब के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।